है, हमारे साथ में आबिद है, हर टाइम मुसीबत के वक्त आवाम के लिए, गरीबों के लिए ठहरे हुए, लड़े हुए हमारे साथी हैं, पूरे पुराने हमारे नजर आ रहे हैं। मैं उस अजीम शख्सियत को जिसने इंसानियत के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहे, वो अजीम शख्सियत जनाब सीताराम येचुरी साहब के कंडोलेंस मीटिंग में मैं आया। मुझे बहुत अफसोस है कि बहुत बड़ी शख्सियत से हम लोग जो महरूम हो चुके हैं, उनके खिदमत जो आवाम के लिए, इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अमन और भलाई भाईचारे की, और सबको जिस तरह से वो फिरका परस्तों के सामने डटे रहे, वो जिनसे तमाम फिरका परस्त काम करते करवाते थे, वो शख्सियत जिसने फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एक चट्टान बन के डटी रही आखिर सांस तक, उनको हम आज खराज अकीदत पेश करने आए हैं। और मैं इस मौके पर हमारे जो वाकयात सब देखे हैं, हमारे विठल भाई साथ में थे, एम श्रीनिवास साथ में थे हमारे साथ, मस्जिद करोड़गिरी की याद रखिए, ये कम्युनिस्टों को इस्लाम से बेजार होते, लेकिन हकीकत मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि टोली मस्जिद के पास एक मस्जिद करोड़गिरी है, उस मस्जिद करोड़गिरी से जहां पर हमारे एक साथी है असमत भाई, आज भी वो हक पर जमे हुए हैं, आज भी सीपीएम के साथ जुड़े हुए हैं, वो आदमी की गाड़ी में गांजा डाल के पकड़ा देते हैं। पकड़ाने वाले हमारे अपने जो मुसलमानों के गुप्ते मस्जिद के लिए लड़ रहा था, उसके लिए उसके 5 किलो गांजा उसकी गाड़ी में डाल के पकड़ा देते हैं। उसको छुड़ाने वाले जो शख्सियत थी तो एम मधु बी मधु साहब थे। बी मधु साहब रात में 3 बजे तक नंदरोज पीएस पे धरना देके उसको छुड़ा के लाए। उसके बाद जब पी मधु साहब से हमारी बात की, मुलाकात की, तो बोले क्या वाकया है तुम्हारा भाई, मस्जिद के नाम पे मस्जिद के सदर साहब खुद मस्जिद पे जमीन का सौदा कर लिए और मस्जिद वीरान है, कहां पर है, हम एड्रेस बोले ऐसा ऐसा है। तो जो मुसलमानों के खिलाफ होते ना, वो मधु साहब बोले, जो मस्जिद कमेटी का सदर था, आज अल्लाह को क्या जवाब दे रहे हैं, वो नेमान मधु साहब क्या बोले कि आप लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं क्या, ये बोलना कौन चाहिए था, ये इस्लाम के बड़े बड़े हस्तियां हैं ना, उन्होंने बोलना था ना, मस्जिद बंद करके रखे, मस्जिद की जमीन का सौदा कर ली। तो वो मधु साहब बोले चलो हम नमाज पढ़े, आज मैं चलता हूं, तुम लोग नमाज पढ़ो। मकबूल यहां पर बैठे रहे, मकबूल अल्हाजरी मेरे भतीजे हैं, हम लोग जाएंगे, हम छिर्रे से 500 आदमी के रैली लेके वहां पर हमारे साथियां पहुंचे, पहुंच के वहां नमाज पढ़े, तो यही एमआईएम पार्टी के लोग इन लोगों पे हमला कराए, तलवारों से कत्तों से वहां लेके हमला करने की कोशिश करे, तो ये मधु साहब, एम श्रीनिवास साहब, विठल साहब, उनके साथियां बोले सब बन के आड़ी दीवार बन के ठहर गए, दीवार बन के ठहर गए समाजियों की हिफाजत के लिए, वो धैर्य किसको बोलते हैं ना, वो कम्युनिस्ट ठहर गए, वो ठहर के इन नमाजियों की हिफाजत करे, और नमाजियों पे हमला करवाने वाले भी वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहलाते, वो लाइन मार दिया। तो वहां से ये तहरीक पूरे शहर में फैल गई थी, तुम जानते अच्छी तरह, हर जगह कहीं भी कम्युनिस्ट पलट के नहीं देखे, हर जगह भगाते गए, और आज के हम ये जो काफिला दिखने में कम है लेकिन सच्चाई पे डटा हुआ काफिला है, नाम गर्म पे कोई कम्युनिस्टों को ये नहीं बोल सकते कि पुराना जगह सीपीएम वाले 10 रुपए लिए या 1000 रुपए लिए, 100 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए, कोई नहीं बोल सकते, ये दिखावे के वास्ते दिखने में कमजोर है, लेकिन सच हमेशा कमजोर रहता, लेकिन बातिल पे जालिमों पे खालिद रहता। आप सब जानते हैं किस तरह से एक इंकलाब उठा था 2006 से, पूरे शहर में कांप रहे थे ये लोग, हर जगह लाइन ग्राफर्स परेशान थे, एक बिल्डिंग में 9 स्कूल चला रहा था एक अकेले, सबको मालूम है, एक्स मेयर था उस बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम
उर्दू स्कूल थे 295 स्क्वायर यार्ड पे 9 स्कूल चल रहे थे पुकारी टट्टी के पास हुसैन नगर में, वही मधु साहब को लेके हम लोग घुसे और बता दिए कि उर्दू के दोस्त है उर्दू के दुश्मन है हमेशा। आप मालूम है बलुकुमा कॉलेज जूनियर कॉलेज उसके लिए मधु साहब तकरीबन 50 लाख रुपए अपने मेमटी फंड से, ये मधु साहब थे जो आपके रायपुर बाजार मेडिपट्टनम में कचरा पड़ा हुआ था पूरा, हम लोग रमजान में रोजों में थे, बोले यहाँ पर ये है उसमें चलो जाएंगे, हम ट्रैक्टर लेके हम लोग दादीगिरी करें, हम लोग सब उठाए वो कचरा। और कैचर वक्त का उस वक्त का म्यूनिसिपल कमिश्नर आ गया, साहब हमको छोड़ दो साहब हमको हटा देते, कई महीनों से कचरा पड़ा हुआ था उस कचरे को हम सब मिलके मुसलमान हिंदू सब मिलके उठाए, दूसरे दिन वहां रोड पड़ गई। ये मधु साहब का ये सीपीएम का कारनामा, ये सीपीएम का कारनामा, सीपीएम के ये सियारे आप सब जानते हैं मुस्तफा नगर में कितनी बड़ी लड़ाई हुई, आबेद हमारे सामने बैठे हुए कितना बड़ा अटैक हुआ, छोड़ के भागे ने वो लोगों को भागना पड़ा होल सिटी में, ये होल सिटी के ये सीपीएम वाले डर के बता दिए हम भागने वाले नहीं है, हम लोग आज जो भी हालात है हम सब मिलके लड़ना है फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है, जो इस्लाम के नाम पे मुसलमानों के सौदे कर रहे हैं अपने पैलेसेस बना रहे बड़े बड़े, ये लड़ाई गरीब और अमीरों की लड़ाई है, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई को हमको लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए तारीख है दुनिया की, दुनिया की तारीख है हाबिल और काबिल, ये दो भाई थे आदम अलैहि सलाम के बेटे थे, एक सच्चाई में था एक बुराई में था, सच्चाई उस वक्त से बुराई सच्चाई की लड़ाई चलती आ रही है, हमको फख्र है सीपीएम वाले भी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के लिए सच्चाई के लिए लड़ने वाले हैं और बुराई के लिए लड़ने वाले कौन है आपके सामने सब नजर आ रहे हैं, हर जगह करप्शन, हर जगह कब्जे, हर जगह सूदखोरी का निजाम, हर जगह लैंड ग्रैबिंग गुंडागर्दी, लोगों को परेशान करके रखना और इस्लाम के नाम पे भीख मांगना और अपने ऊपर पूरे अपने गुंडों को मुसलत के रखने करके रखने वाले कौन है, और ये जो गरीब लोग है जो कम्युनिस्टों की सूरत में है और दीगर तहरकार हमारे सामने भी अफजल भाई नहीं थे, अफजल भाई साहब के जो कम्युनिस्ट लिप्स हैं, जब मालूम है इदारे अख्तियार उर्दू की जमीन को कब्जा हो रहा था, ये अफजल भाई अब्दुल समी भाई वहां पर मकबूल अलहाजरी और वो एक अदीब हमारे साथ के थे, अदीब को वहां जा के रोकने वाले ये कम्युनिस्ट का वहां पर उन लोगों को जो कब्जा हो रहा था ये सीपीएम वाले काम करे थे। उसके बाद दूसरे दिन जब हम कंप्लेन देने के लिए भेजे, मकबूल गए, अफजल भाई गए, अब्दुल समी गए और अदीब जाके कमिश्नर के पास कंप्लेन किए, दूसरे दिन यही लोग जो मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करते उस पर ग्रेनेडा डाल दिए थे, पत्थरों पैरों से पैरों पे फ्रैक्चर कर दिए, अदीब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। तो ऐसे जालिम और मजलूम तारीख में हमेशा सच और झूठ की लड़ाई जारी रहेगी और इसमें हमारे सीतारे मुचरी साहब जो इंसानियत के लड़े इंसानियत के लिए आखिरी दम तक पैगाम देते रहे फिरका परस्तों के खिलाफ, हम उनके लिए आए हैं और आज भी हम जो भी जब भी सीपीएम वाले या कोई भी सच्चाई के लिए आवाज दो हम हाजिर है, अपनी जान के साथ आपके साथ रहेंगे, कभी भी धरना धराना नहीं, उस्मान अब्बास भाई के साथ है, उस्मान विठल भाई के साथ है, उस्मान हमारे सना भाई के हम तमाम साथियों के साथ है, सच्चाई के लिए जो लड़ने वाले हैं उन सब के साथ हम लोग हैं, आपके लिए हमारी यही दुआ है यहाँ से कि हमारा हमारा साथ सच्चों के साथ रहे, हमारा खातिमा भी सच्चों के साथ हो, अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।